हेलो एवरीवन, एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं कंटिन्यूअसली बोल नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपका क्लास भी थोड़ा कम टाइम का याद दे पाऊंगी, बिकॉज इस टाइम अभी जो है अभी मेरे गले की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप आंसर दे दो. हाँ, द पेस ऑफ लिविंग जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है आरटी हचिंसन के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस ऑफ लिविंग में जो राइटर बात करता है वो किसकी बात करता है? द राइटर कैप्चर्स द एग्नी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मैन? कल आपने पढ़ा था, तो आज आप आंसर कर रहे होंगे. ठीक है, तो द एग्नी ऑफ व्हाट. वैसे इतनी देर तक मेरा गला खराब रहता नहीं है, आज पहली बार जो है ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आज हमारी 30वीं क्लास है आपके साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है. हाँ, तो ये मॉडर्न मैन की जो परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मॉडर्न मैन की जो है उसकी परेशानी की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसमें. तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है. द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, जो मेन कैरेक्टर है प्ले में ऑदर के साथ में, उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? उसने एल्डरली कॉर्न मर्चेंट देखा. ठीक है, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में बात कर रहे थे, याद आ रहा है? जो कॉर्न मर्चेंट था, व्यापारी था, वो एल्डरली था, उम्र दराज. ऑथर क्या कह रहा है कि क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल क्या नॉलेज, तो होगा नहीं ऑब्वियसली. तो मतलब इसमें ये है कि जो क्विक ट्रैवल होता है वो कभी आपको रियल प्लेजर नहीं दे सकता. मतलब मजा तो यही है कि जब आप धीरे धीरे ट्रैवलिंग ऐसे करें, मतलब जब आप आराम आराम से ट्रैवल करें वो. स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ लिविंग. स्लो थिंकर जो होते हैं वो उसके डिसएडवांटेज होते हैं, जब लिविंग की बात आती है तो स्लो थिंकर्स के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं. आर सी हचिंसन वॉज अ अमेरिकन नॉवलिस्ट, ब्रिटिश नॉवलिस्ट, फ्रेंच या इटालियन? आर सी हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे. सेबेस्टियन सलमान, प्रियदर्शनी, प्रीतम, संजीता, ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट. वेयर डिड द ऑथर सी द प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वॉज अ चीफ कैरेक्टर? ये प्ले कहाँ उसने देखा जो कॉर्न मर्चेंट एक चीफ कैरेक्टर था? बुडापेस्ट, मिलान, डबलिन, कैंटरबरी. बुडापेस्ट में, मिलान में, डबलिन में या कैंटरबरी में? तो ये वहां पे लिखा हुआ था एग्जैक्टली डबलिन में देखा. ठीक है, डबलिन में. हु डबलिन में देखा. हु हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन अ हॉलीडे? $10 ऑन हॉलीडे कौन खर्च करता था?
$10 ऑन हॉलीडे खर्च करता था वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट. वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट. कॉर्न मर्चेंट को कोई चीट भी कर रहा था. अच्छी स्टोरी थी वैसे. कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था? हाँ, उसका भतीजा चीट कर रहा था कॉर्न मर्चेंट को. उसका भतीजा जो था वो चीट कर रहा था कॉर्न मर्चेंट को. हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ. किसने जिंदगी के जो रैपिड मूवमेंट है उसको डिसलाइक नहीं किया? कॉर्न मर्चेंट ने, निफ्यू ऑफ ऑथर ने, या वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट ने. मतलब चार ऑप्शन थे. किसने डिसलाइक, वैसे तो सब डिसलाइक करते हैं, लेकिन किसने डिसलाइक नहीं किया? उसने कहा कि लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं, रानी मोहम्मद सलमान मेधावी कविता, उसने कहा जो लाइफ में वो चीज, जो भी चीज़ें चलती है वो चलने दो. ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, द ऑदर. तेज तेज गति से उसने कहा चीजें चलनी चाहिए, जिससे कि हम तेज गति से चीजें चलनी चाहिए जिससे हम टाइम से चाल कदम से कदम मिला के चल पाए. वही चीज इसमें भी है. फास्ट ट्रैवलिंग किसको पसंद है? ऑथर को फास्ट ट्रैवलिंग पसंद है. ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप. हाँ, वर्शिप जो है वो किसे कहते हैं? ये एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है. वर्शिप जो है वो किसे कहते हैं? हाँ, मैं देखो, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना. पूजा करना मतलब प्यार करना, मतलब अडोर करना. ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ठीक है, मनीषा रानी मेधावी संजीता ऋतु रानी. देखो, ए ऑप्शन कह रहे हैं विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप, अडोर करना. ठीक है, अब बाकी के जो ऑप्शन है उसमें लिखा है एस्पिरिट. एस्पिरिट होना मतलब तेज होना, जिसके अंदर स्पिरिट है वो बहुत तेज है, विटी है. ठीक है, एस्केपियर, ये एस्केप से बना हुआ वर्ड है. एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, और डिस्पेयर का मतलब पेयर ना होना. पेयर जब गड़बड़ होता है, डिस्पेयर हो जाता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप डिड द ऑदर बिलोंग. कह रहे हैं कि ये ऑदर जो है किस टाइप से बिलोंग करता है? फास्ट सिंकर, स्लो, स्टीडी, नन ऑफ दीज. इसकी ट्राइब का मतलब ग्रुप है. तो ये ऑदर जो है वो भी स्लो थिंकर्स है, स्लो थिंकर है, क्योंकि उस वो जब भी मूवी देखने जाता तो हॉल में पूछता था कि इस मूवी में ये कौन है, ये वही लड़की है, वही लड़का है. हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म. जब उसने अपनी वाइफ से पूछा कि ये क्या सेम लड़की है जो अभी थोड़ी देर पहले आके गई थी, सच बताओ. तो यहाँ पर स्लो थिंकिंग की बात नहीं है. कभी कभी यहाँ पर अटेंशन की भी बात होती है. जब भी आप कभी ऐसे मूवीज देखने जाएं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, सो समवेयर यू आर नॉट अटेंटिव. कभी कभी आप अटेंटिव नहीं होते. सो कितनी लड़कियाँ थी, याद आ रही कितनी लड़कियाँ थी? कल मैंने बताया था, हाँ, तीन लड़कियाँ थी. मनीषा कविता, ये लोग कहानी बहुत अच्छे से सुनते हैं. तीन लड़कियाँ थी, इन लोगों को अच्छे से पता है तीन लड़कियाँ थी. लड़कियों की बात इन लोगों को याद रहती है. हाँ, सो थ्री गर्ल्स वर देयर, जो बार बार आ रही थी बदल बदल के. तीन लड़कियां थी. ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है. इसके क्वेश्चंस भी बाद में करेंगे. थोड़े और क्वेश्चंस देख लेती हूँ उसके.
यस मोहम्मद सलमान कह रहे हैं कि आप ठीक से देखा कीजिए कमेंट्स को. कौन से कमेंट की बात कर रहे हैं मोहम्मद सलमान? किस कमेंट की बात कर रहे हैं? इनऑडिबल था अभी तक, अभी आवाज आ रही है ना. आंसर की मतलब क्या देखा करूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, कि मैंने आपका आंसर नहीं देखा ये कहना चाह रहे हैं? आपने आंसर दिया था ऊपर और मैंने देखा नहीं. अच्छा आपने ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे ये बोल रहे हैं? नहीं, ग्रामर दूसरी मैम पढ़ा रही है, ग्रामर जो है ना वो दूसरी मैम पढ़ा रही है शंकर. अच्छा मोहम्मद सलमान कोई बात नहीं, वो मेरे से मिस हो गया होगा, इसमें क्या दिल पे लेने वाली बात है. हाँ हाँ तो चीटेड होगा, द राइट आंसर विल बी चीटेड. ठीक है, द कॉर मर्चेंट वॉज गेटिंग चीटेड, वो अपने नेफ्यू द्वारा चीट किया जा रहा था. ओके प्रीतम रॉय, मनीषा रानी, शंकर मेधावी, 11th का तो ए होगा चीटेड. इन द पेस ऑफ लिविंग द ऑथर सेज दैट डिजाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन. मतलब ये जो ऑथर कहता है कि कोई भी मेंटल स्पीड किसी पर्सन की टेस्ट होनी चाहिए, ये कौन से टेस्ट की बात करता है? प्लेसमेंट टेस्ट, एजुकेशन टेस्ट, साइकोलॉजिकल या इंटेलिजेंस? आजकल मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें आ गई है जिससे आईक्यू का पता चलता है. प्रीतम कह रही क्लास सारा हो गया, ग्रामर की क्लासेस हो गई? हाँ अब तक तो ग्रामर रिपट गई होगी. यस इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो किसी पर्सन के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट होना चाहिए, मतलब एक जैसे आप पता करो कि आपका आईक्यू कितना है, ये भी एक टेस्ट होना चाहिए. मतलब ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिससे आपका आईक्यू पता चले. शंकर अब आपको रिकॉर्डेड मिलेगा या फिर दोबारा दूसरा बैच स्टार्ट होगा? रिकॉर्डेड होगा. मोहम्मद सलमान, शंकर, रानी, कविता. हाँ जी पेस ऑफ लिविंग एंजॉयज क्या लॉन्ग कार ड्राइव्स, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, ये तो बता चुके हैं, आर्ची हर्चिंसन. द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन, ये भी बता चुके हैं. द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, ये भी बता चुके हैं. द ऑदर एडमिट्स द क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल प्लेजर, ये भी बता चुके हैं, डिस्कस करने वाला नहीं है क्वेश्चन. द अदर फाइंड्स हिमसेल्फ ही गोज टू वॉच इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द सिंगिंग कंपटीशन, थिएटर, डांस प्रोग्राम या सिनेमा. इसमें तो दो ऑप्शन सेम है, इसमें सिनेमा लिखा है, थिएटर और सिनेमा एक ही बात होती है. ठीक है, आर्ची हचिंसन वॉज अ, आर्ची हचिंसन कौन है? या क्या चाहिए रानी? यस ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है. इन द पेस ऑफ लिविंग द ऑदर सॉ अ प्ले इन, कहाँ देखा? ये तो शायद अभी किया था हम लोगों ने, कि ऑदर ने जो प्ले देखा वो कहाँ देखा.
इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट, ये भी बता दिया, एनेक्शियस मैन था, अच्छा ये नहीं हुआ था. हाउ डज द राइट हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन अ प्लेस ऑफ इन अ पेस ऑफ लिविंग. कितना गलत लिखा है, हर जगह डबल ही लगा रखा है लोगों ने. A slow thinker. People nowadays think. आजकल के लोग कैसे सोचते हैं? People nowadays think. Faster than ancient times. आजकल लोग जो है faster सोचते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं. Me and the ecology bit, Jean Laxo इनका नाम है, John Laxo बोलते हैं इनका. तो इस पर जो इनका वो है, इसको एक बार देख लेते हैं. टॉपिक का नाम है Me and ecology bit और लिखा गया है John Laxo द्वारा. जो मेरा कर्सर होता है वो आपको दिखाई देता है, जो मेरा ये मतलब जो मैं इसको वो कर रही हूँ, चला रही हूँ बोर्ड पर, तो वो आपको दिख रहा है जो ये बोर्ड पर चल रहा है. ये इससे ही मैं मतलब ये कर पाऊंगी, समझ पाऊंगी कि आप देख रहे हैं. ओके सो टॉपिक है हमारा, अच्छा नहीं दिखता है. ओके ये तो प्रॉब्लम है. टॉपिक है हमारा मी एंड द इकोलॉजी बिट. चलो मैं वर्ड फाइल पे कर लेती हूँ, उस पर दिखाई देगा. वर्ड फाइल पे दिखाई दे जाएगा आपको ऊपर से. ओके सो अब हम बात करेंगे मी एंड द इकोलॉजी बिट की. आवाज सबको क्लियर आ रही है अभी? ओके okay.
मतलब इसमें इकोलॉजी बिट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें और उसको अच्छी तरीके से एक तरीके से सुरक्षा दें, और ये कितना ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। सो यही आपको इसमें बताया जा रहा है बेसिकली इस वाले टॉपिक में। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जॉन जॉन लेक्सी नाम है इनका, और ये वंडरफुली ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का संरक्षण करना और इकोलॉजी को सेव करना, मतलब एक तरीके से जो इकोलॉजी है हमारी, जो हमारा पर्यावरण है, उसकी सुरक्षा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही बता रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, अब आगे, इट इज़ एसेंशियल फॉर आर एग्जिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ सेविंग इकोलॉजी, सारे लोग पर्यावरण वातावरण को सेव करने के फेवर में हैं, बट नोबडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग। तो ये जो मी एंड इकोलॉजी बिट है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि पीपल आर सो इनसेंसिटिव, दे डोंट वॉन्ट टू सेव इकोलॉजी, दे स्पीक बट दे डोंट वॉन्ट टू डू। अब ये किसके बारे में है? जिम के बारे में। जिम जो कि एक यंग बॉय हैज अंडरटेकन द वर्क ऑफ गोइंग अराउंड एंड टेलिंग पीपल टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट एंड सेव इकोलॉजी। कह रहे हैं कि ये जो है यंग बॉय, ये जा रहा है इधर उधर और लोगों को ये बता रहा है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाए और कैसे पर्यावरण की रक्षा की जाए। दो ही गेट्स लिटिल टाइम, हालांकि उसे बहुत कम टाइम मिलता है आउट ऑफ हिज होमवर्क, जब वो अपना काम कर लेता है तो उसके बाद उसे बहुत कम टाइम मिलता है, बट ही हैज फिक्स सैटरडे। कौन सा डे फिक्स किया है? सैटरडे, पूछा जा सकता है, फॉर विजिटिंग पीपल टू फुलफिल हिज मिशन। क्या मिशन था उसका? टू टेल पीपल टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट। ही डिस्कसेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट विद देम। वो किस बारे में बात करता है कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जाए, है ना। ही ऑल्सो कलेक्ट्स फिल्थ, वो क्या कलेक्ट करता है? गंदगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत घरों से क्यों प्रिजर्व करता है? जिससे लोगों में एक तरीके से या इस चीज़ की अवेयरनेस आए। हिज इकोलॉजी फ्रेंडली एटीट्यूड इज एडमायरेबल। तो इसमें जो हीरो है वो जिम है, इस कहानी का जो मेन लीड कैरेक्टर है वो जिम है। जिम हालांकि स्कूल में पढ़ता है लेकिन वो घरों में जाता है और घरों में जाकर के लोगों को फायदे बताता है कि हमें अपने, अब ऐसे आजकल लोग अगर ऐसे करने लग जाते हैं तो लोग पागल समझ लगते हैं। हालांकि थोड़ी अवेयरनेस सोशल मीडिया से आई है, अगर सोशल मीडिया ना हो तो फिर और भी चीजें किसी को पता ना चले। अब इसमें ये थोड़ी सी स्टोरी वाइज अच्छी है, ये काफी अच्छा चैप्टर है। वन सैटरडे, एक ऐसा सैटरडे आता है, ही गोज टू मिस्टर विलियम्स हाउस। वो मिस्टर विलियम के घर जाता है, ही फाइंड्स मिस्टर विलियम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड। वो पाता है कि मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे, अपने पीछे के आंगन में पत्तियां जला रहे थे। ही पे सम अमाउंट टू जिम, उन्होंने कुछ पत्तियां जिम को दी। जिम सजेस्ट हिम टू मेक अ कंपोस्ट पाइल ऑफ लीव्स गार्बेज एंड अदर स्टफ्स। जिम ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ना इससे खाद बना सकते हैं, ये जो लीव्स है और जो कूड़ा करकट है, जो और चीजें हैं, ये सड़कें खाद बन सकती है, विच इज गुड फॉर द गार्डन, जो कि गार्डन के लिए अच्छा होगा। मिस्टर विलियम डज नॉट अग्री टू हिम एंड एक्यूजेस हिम ऑफ द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम हिज कंपोस्ट इटसेल्फ कॉजिंग नोज पोल्यूशन। कह रहे हैं कि अच्छा तुम तो मुझे अकल सिखा रहे हो, जब हम ये सारा कूड़ा जो है भरा रखेंगे तो बैड स्मेल आएगी, बदबू आएगी और जो है नोज पोल्यूशन हो जाएगा ना, जो है ना ये हमें जो है सूंघने की प्रॉब्लम हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति सूंघ नहीं सकता ऐसी चीजों को, सड़ जाएंगी। आप बताओ इसकी बात सही थी मिस्टर विलियम की? मिस्टर विलियम जैसे ही लोग हैं हमारे आसपास, अगर हम उन्हें सजेशन देंगे और स्पेशली जब हम एक बच्चे हैं तो फिर वो ऐसे ही कहेंगे। इट हर्ट्स हिज फीलिंग, इस बात ने जिम को बहुत हर्ट किया, बट ही गोज हेड विदाउट बिकमिंग डिसहार्टन एंड विजिट मिस्टर ग्रीन टू कलेक्ट। सो उसके बाद वो आगे बढ़ा और बिना दिल पे लिए उनकी बात को और मिस्टर ग्रीन के घर गया सारी चीजें कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सीइंग हिम शी इमीडिएटली मेक्स हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग गम रैपर्स ऑन हर लॉन एंड इंस्ट्रक्ट्स हिम टू पुट इन प्लास्टिक बैग। उसे देख करके उन्होंने क्या किया, जो टॉफी के रैपर्स थे उसके लॉन में वो उन्होंने वहां पे फेंक दिए और जिम से कहा कि इनको प्लास्टिक बैग में भर लो। कितना कितना मतलब अजीब बिहेवियर है, उन्होंने कहा कि इसको प्लास्टिक बैग के में भर लो और ले जाओ इस तरीके से। तो
और वहीं पे वो कहती है, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ उसको देखती है और गम रैपर्स फेंकती है और अपने लॉन में, और कहती है कि इसको अपने प्लास्टिक बैग में रख लो। शी ऑल्सो टेल्स हिम नॉट टू कीप हिज डॉग फ्री, और उसे और नसीहत और देते हैं कि अपने डॉग को ज्यादा फ्री मत छोड़ा करो। डॉग होगा जिम के पास, तो कहती है कि अपने डॉग को फ्री मत छोड़ा करो। एज इट डिग्स अप यार्ड, वो उनका जो आंगन है वो खोद देता है एंड मेक्स इट डर्टी, और इसे गंदा कर देता है। सीइंग हर पाइलिंग न्यूज़पेपर बिसाइड हर गार्बेज बैग, ही एडवाइजेज हर टू सेव दोज पेपर्स एंड एल्यूमिनियम कैन सो दैट न्यू पेपर्स एंड एल्यूमिनियम कुड बी मेड। अब क्या करता है, वो न्यूज़पेपर का गट्ठर लगा रही होती है अपने गार्बेज बैग के पास, है ना। तो ये उनसे कहता है कि न्यूज़पेपर्स जो है ना उनको बचा के रखो और एल्यूमिनियम कैन जो है उनको फेंको मत, क्योंकि ये जो न्यू पेपर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं इन न्यूज़पेपर्स से, और नई एल्यूमिनियम जो है वो बनाई जा सकती है इन पेपर्स से। ही गेट्स टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। वो एकदम थक गया था, वो इतना समझाता था मिसेस ग्रीन को, नाम ग्रीन था लेकिन कर्म एकदम रेड थे। सो मिसेस ग्रीन को वो समझा रहा था इकोलॉजी के बारे में कि सुनो इकोलॉजी जो है ना उसको थोड़ा सेफ रखो। देन ही गोज टू मिस्टर जॉनसन हाउस। देखो एक एक करके जिसके घर जा रहा है वो भी पूछा जा सकता है कि पहले विलियम के घर गया, फिर ग्रीन के घर गया, फिर जॉनसन के घर गया, ऐसे करके, है ना। हु इज गेटिंग रेडी टू गो द पोस्ट ऑफिस। जॉनसन के घर गया तो वहां पे क्या कर रहे थे, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विच इज लोकेटेड ओनली 2 ब्लॉक्स फ्रॉम देयर बाय हिज कार, जो कि जस्ट 2 ब्लॉक्स दूर है उनके घर से। सारी चीजें इसमें लेकर के आएंगे वो लोग, मी एंड इकोलॉजी बिट में पूरी चीजें बताएंगे कि लोग क्या क्या करते हैं। तो जिम ने कहा, जिम टेल्स हिम नॉट टू गो बाय कार फॉर सच अ शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव इकोलॉजी। जिम उससे कहता है कि देखो ऐसा है, इतनी छोटी सी जगह में इकोलॉजी को मतलब ऐसे पर्यावरण प्रदूषण ना हो तो पैदल चले जाया करो। उसने कहा अच्छा, ही डज नॉट अग्री विद हिम, वो बिल्कुल भी इस बात से अग्री नहीं करता है। एट द सेम टाइम ही मेक्स हिम गिल्टी फॉर किलिंग अ ट्री एंड ग्रास बाय रनिंग ओवर देम एवरी डे। तो अब एट द सेम टाइम उसको जिम को गिल्टी फील कराता है कि उसने जो है पेड़ को काटा और घास काटा और उससे रास्ता बनाया, मिस्टर ग्रीन के हाउस के जरिए वहां पे रास्ता बनाया। बट ड्यू टू द लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन लगातार एक लंबा डिस्कशन हुआ, मिस्टर जॉनसन डज नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस। मिस्टर जॉनसन जो है पोस्ट ऑफिस नहीं जाते हैं। जिम फील सेटिस्फैक्शन ओवर इट, तो इससे उसको अच्छा लगा। मतलब मिस्टर जॉनसन एक पर्सन थे जिन्होंने जिम की बात मान ली, बिकॉज ही मेड हिम नॉट टू पोल्यूट बाय हिज कार एटलीस्ट फॉर वंस। वो कह रहे थे कि कम से कम एक बार तो ऐसा किया जा सकता है कि अपनी कार के द्वारा जो है पोल्यूट ना करे चीजों को। देन इन द लास्ट ही रिटर्न्स बैक टू हिज हाउस बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इकोलॉजी वर्क इज वेरी मच बोरिंग। कहता है कि अंत में वो खुद घर वापस आता है और सोचता है अरे ये कौन कहे कि मत ऐसा करो वैसा करो, ये तो इकोलॉजी का जो काम है तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। व्हेन ही एंटर्स इन हिज हाउस, जब वो अपने घर में एंटर करता है, ही फाइंड्स हिज मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। उसकी माँ जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही होती है। ही पॉइंट्स आउट टू हर, वो उसकी तरफ कहता है टू डू दैट वर्क विद हर एग बीटर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। कहता है तो अब जो इलेक्ट्रिक मिक्सर मिक्सर यूज कर रहे हो, मिक्स ही करना है तो बीटर यूज कर लो, है ना, हाथ से जो बीट करा जाता है एग बीटर, तो उससे बिजली बच जाएगी। शी रिप्लाइज आयरनिकली एट वंस, वो एक बार में ऐसे विडंबनापूर्ण आंसर देती है, आस्किंग दैट दैट व्हाई ही वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे। 24 आवर्स कह रहे होते हैं। उसकी माँ जो है आयरनिकली बोलती है कि अच्छा 27 घंटे टीवी देखना बंद कर दो, विच इज ऑल्सो द वेस्टेज। अब ये गलत हो गया इसके साथ, अब अपनी माँ से पंगा ले रहा है वो, तो कह रहा है कि 27 घंटे टीवी देखना बंद कर दो, ये भी तो वेस्टेज है इलेक्ट्रिसिटी का, गलत जगह पंगा ले ले। जिम थिंक्स दैट नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कहता है अरे कोई कुछ नहीं करेगा इकोलॉजी के बारे में, इट इज ओनली ही, ये वही है हु एक्ट्स ऑन द इशू ऑफ सेविंग इकोलॉजी, जो इस पर काम कर रहा है, बाकी लोग जो है बिल्कुल भी इसका पालन नहीं करेंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये जो प्रेजेंट लेसन है ये हमें ये बताता है कि इकोलॉजी पे ज्ञान देना तो सिंपल है, लेकिन इसको अबाइड बाय करना, मतलब इसका पालन करना, ये काफी मुश्किल है। क्योंकि पालन तो वो बेटा कर नहीं रहा है, वो खुद ही
thus the present lesson teaches us that preaching about ecology is easy but difficult to abide by the rules of ecology preservation. ठीक है, तो ये हमारा इकोलॉजी एट अ बिट था. अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो इतना ज्यादा मतलब अब जैसे अभी क्या हुआ था, कुछ साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा काम करना शुरू करा था और उन पर भी मीम्स पे मीम्स बन गए. उनके भी मतलब मीम्स कम नहीं बने थे. तो अब क्या कर सकते हैं इस पे? मैं भी ज्ञान देती हूँ लेकिन मुझे भी घर में अंधेरा पसंद नहीं है. और मुझे तो घर में इस कदर अंधेरा पसंद नहीं है कि मैंने तो एक्स्ट्रा बल्ब्स लगवा रखे हैं, एक्स्ट्रा लाइट. मतलब मेरे को और सब तो पसंद है बट अंधेरी चीजें, अंधेरे में मेरे को अच्छा नहीं लगता. तो वैसे तो मैं बहुत ज्ञान देती हूँ सबको, लेकिन यहाँ पे मैं भी आकर के क्या करती हूँ कि ना सारे घर के बल्ब्स, लाइट्स हमेशा, रॉड्स हमेशा ऑन रहती है. कोई बंद कर दे फिर देखो हालत मेरी, मैं घबरा जाती हूँ. ओके सो चलो आते हैं जरा क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस की बात करते हैं. हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, इन दिस लेसन द नरेटर, नरेटर तो वही है, वो टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू इन द प्रोटेक्ट इन टू डू टू प्रोटेक्ट द. तो ये तो पता है, ये आप जैसे जब तुरंत आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बाद आंसर देना इज टू सिंपल, आपके लिए आंसर देना बहुत सिंपल हो जाता है. तो आप तुरंत बता देंगे यस दिस इज हाँ इकोलॉजी होगा. Protect the ecology. Ecology होगा गाइस, वो गलत आंसर है. The narrator told Mr. Williams not to burn leaves as it is. Yes. Bad for ecology. कह रहे हैं कि leaves नहीं जलाओ, ये ecology के लिए बुरा है. हाँ ये कह रहे हैं कि जिम एस्ट मिस ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के लिए जो उन्हें पढ़ते हैं. ठीक है, जिम ने मिस्टर ग्रीन से कहा कि ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर है स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के लिए, जिसे वो पढ़ते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन. अच्छा हाँ, कलेक्ट करने के लिए उसने बोला था क्या? Collected them, yes, collected them, yes, collect करने की बात हो रही थी क्योंकि काम होता है उससे. Jim told Mr. Johnson that it would reduce and save ecology if he did not use a car for traveling to the short distances. So short distances है क्या होगा? Reduce क्या reduce होगा? Petrol, pollution, weight, diesel. Obviously pollution जो है वो reduce होगा. ठीक है, रानी, मनीषा रानी, मेधावी, सेबेस्टियन, प्रीतम, कविता, संजीता. हाँ इतने बच्चे तो आंसर दे रहे हैं. तो जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम 27 घंटे. हाँ तो गई मैं पहले सोचती थी कि ये माओ को इतनी बातें कहाँ से आती थी. मुझे लगता था कि मेरी माँ शायद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इसीलिए उनके पास सबसे ज्यादा बातें होती है. फिर मैं सोशल मीडिया पे आई, अब पता चला कि सबकी माओ के पास. हाँ उसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी था. ऑथर कौन है जरा बताना? सबकी माओ माए उतनी तेज होती है. Yes, मी एंड इकोलॉजी बिट जो है जॉन लेक्सी. याद रहेगा ये सबको, याद रखने वाली बात है. ये अदर पे क्वेश्चंस आएंगे जरूर, याद रखना. इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर एनवायरनमेंट हार्मनी फॉरेस्टेशन इकोलॉजी. व्हाट द राइट आंसर विल बी?
इट्स हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर वॉट यस वर्क फॉर इकोलॉजी वॉट डिड द ऑदर डू फॉर द एनवायरमेंट ऑदर क्या करता है एनवायरमेंट को यस डूइंग प्लांटेशन अवॉइडिंग पोल्यूशन बाय अवेयरिंग पीपल ये करता है अवेयर करता है लोगों को राइट ये करता है लोगों को अवेयर टू हु डिड द अदर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स हाँ ये किसने कहा था कि तुम्हें पत्तियां किससे कहा था इसने कि तुम्हें पत्तियां नहीं जलानी चाहिए जॉन से विलियम से चार्ल्स से पत्तियां नहीं जलानी चाहिए ये किससे कहा था पत्तियां नहीं जलानी चाहिए इस ये तो उनसे कहा था ना इसमें मतलब उसका क्या नाम था कि यू शुड विलियम के घर गया था विलियम से कहा था कि पत्तियां नहीं जलानी चाहिए विलियम से ही तो कहा था राइट विलियम से कहा था ना सो बी ऑप्शन होगा इसका गलत लिखा हुआ इसमें विलियम से कहा था कि पत्तियां नहीं जलानी चाहिए गलत आंसर है खैर उसके आंसर मत देखो विच रूट डज द अदर फॉलो अदर कौन सा रूट फॉलो करता है मतलब पोल्यूशन रोकने के लिए कौन सा रूट फॉलो करता है अरे कम्युनिकेशन रूट फॉलो करता है देखो पोल्यूशन रोकने के लिए उसने कौन सा रूट फॉलो किया कौन सा रास्ता अपनाया उसने कहा बात करके पोल्यूशन तो फिजिकल पेपर रूट नहीं होगा कम्युनिकेशन रूट होगा ये गलत लिखा है इसमें पेपर वेपर रूट नहीं होगा उसने सोचा कि अच्छा अच्छा एक मिनट इसमें ये लिखा हुआ है सॉरी 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 इसका पेपर रूट ये लिखा हुआ है शायद उसमें एक जगह ये था पैसेज में उसमें पैसेज में था कि तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि तुमने जो है पेपर से रास्ता बनाया है उनके घर में कुछ ऐसा था कुछ ठीक है ना ये शायद था कि पेपर से रास्ता बनाया है घर में इसको मैं देख लेती हूँ ये वैसे तो इसमें रूट की अगर बात करें तो कॉन्वर्जेशन ज्यादा सही लग रहा है तो इसको मैं देख लूंगी एक बार जहां तक होगा ये पेपर रूट नहीं होगा पेपर रूट का कुछ ऐसा पावरफुल कोई वो नहीं है What according to author, it is good for garden. Garden के लिए अच्छी क्या चीज है Fertilizer, irrigation, compost, none of these. हाँ newspaper delivery के लिए वो था उसमें option. But paper route उसको नहीं बोलेंगे basically. Paper route is a different thing. वैसे देखा जाए तो question गलत होगा वो हाँ वो compost will be the right option. Compost बनेगा compost. गार्डन के लिए कंपोस्ट विल बी द राइट ऑप्शन अच्छा अकॉर्डिंग टू विलियम कौन सा पोल्यूशन की बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन नोज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन नन ऑफ दीज ये नोज पोल्यूशन होता कौन सा पोल्यूशन है उसने कहा था नोज पोल्यूशन हो जाएगा नोज पोल्यूशन नॉइज नोज पोल्यूशन कह रहा था हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट था विच वर्ड इन द पैसेज इज नॉन एज फिल्थ फिल्थ किसे बोलते हैं फिल्थ गार्बेज कंपोस्ट इकोलॉजी लॉन ऑब्वियसली फिल्थ का मतलब गंदगी होता तो गार्बेज होगा है ना ए ऑप्शन वेयर वॉज मिस्टर ग्रीन पाइलिंग न्यू पेपर्स न्यूज पेपर्स सॉरी कहाँ पे मिस्टर ग्रीन जो है न्यूज पेपर्स को पाइल कर रही थी गठरी बना रही थी नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन एनी वेयर इन कैंपस Yes, Kavita, Sabastian, Pritam. Yes, next to the garbage bags. Garbage bag ke just bahar. What does Mr. William actually mean to say to Jim? Mr. William, kya keh raha hai? Compost is not suitable. Compost is not environment friendly. Compost is mess up the whole street. None of these. Compost smells up the whole street.
ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस थे. अब हम आपको मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो. थैंक यू वेरी मच. आई विल शेयर द नोट्स राइट नाउ.